हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके मैं जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड जो फिजियोलॉजी है ओके, तो उसमें जो स्केलेटल सिस्टम है ना, तो स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यूज लेके आए ओके। तो मैंने ये जो है अलग अलग पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराए हुए थे, स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट्स ठीक है। तो इसमें आपको स्केलेटल सिस्टम के सारे क्वेश्चन एक ही पार्ट एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और देखिए एच ए पी खुद में ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आते हैं। और इसमें जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है इसमें हमारा स्केलेटल सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे, और काफी अच्छे तरीके से आपको जो है बहुत सारे एमसीक्यू इसमें मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और देखिए ये क्वेश्चंस जो है आपके सभी फार्मासिस्ट एग्जाम से, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम से, जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं एम्स में है आपका एग्जाम्स, ESIC का है ओके, बाकी SSB है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स आप लोगों के हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र में जिला परिषद का एग्जाम है, और भी आपके उड़ीसा के हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके जितने भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है और सेंटर के फार्मासिस्ट एग्जाम है, तो सभी के लिए ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके ओके। तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोन्स ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 601, 106, 206, 602 ठीक है। तो टोटल जो बोन्स देखेंगे तो ये हमारी हो जाती है 206, 206 हो जाएगा ओके। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी ठीक है। तो टोटल देखिए टोटल बोन तो 206 होती है, इसमें एक तो होती है एक्सियल बोन होती है, और एक होती है अपेंडिकुलर बोन्स होती है ओके। अपेंडिकुलर बोन्स जो मतलब आपकी फोर लिम हेड लिम्स जो आपके हाथ पैर की बोन्स ये सब आ जाती हैं ठीक है। तो ये एक्सियल होती है, ये तो टोटल आपकी 80 होती है, और बची कितनी, अब 206 टोटल है, 80 इसमें आ गई, तो बाकी 126 जो होती है वो अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं ओके ओके। तो आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन्स जो है ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन बॉडी में एक्सियल बोन्स टोटल कितनी होती है, तो एक्सियल बोन्स जो होती हैं आपकी वो आपकी होती है 80 होती हैं ओके। और इसमें से 206 तो आपकी टोटल है, 80 हो गई एक्सियल, और 126 क्या है अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं ओके। आपको मिल गया आपका आंसर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें लिखा हुआ है देखिए जो अडल्ट है विल हैव, तो कितनी बोन्स होती है ओवरऑल हमारी 206 बोन्स होती है, एक्सियल स्केलेटन में कितनी होती है 80 होती है, 206 बोन्स में से 80 बोन्स तो एक्सियल स्केलेटन में होती है, फाउंड इन ओवरऑल ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें कितनी रिमेनिंग 126 बोन्स प्रेजेंट होती है ठीक है। तो आपको जो एक्सियल की 80 बोन्स है वो बताया हुआ है कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। 80 बोन्स ऑफ एक्सियल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिस्टिंग्विश, कौन कौन सी है जो 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटल की, तो वो देखिए देखिए एक तो होता है स्कल, स्कल में होती है आपकी कितनी टोटल 22 बोन्स होती है, जिसमें से जो स्कल की 22 बोन्स है उसमें से 14 तो फेशियल बोन्स होती है ठीक है। फेशियल बोन्स कितनी है 14 है, 8 होती है जो आपकी क्रेनियल बोन्स होती है, क्रेनियल बोन्स होती है 8 ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ना बनते हैं क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 14 है, और स्कल में कितनी बोन्स है, टोटल स्कल में 22 बोन्स होती है जिसमें से 14 तो फेशियल हो गई और 8 क्रेनियल बोन्स होती है ओके। 6 बोन्स जो होती है वो आपके ईयर में, ईयर में भी मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं ओके। मतलब कि एक ईयर में 3 होती है, तो 2 ईयर होती हैं, तो 2 ईयर में टोटल 6 हो गई ओके। तो 6 हो गई आपकी ईयर्स की बोन, जिनको ईयर ओसिकल्स बोलते हैं, मैलियस इनकस और स्टेपिस होती है, तो 2 मैलियस 2 इनकस 2 स्टेपिस टोटल 6 हो गई। एक होती है हायर्ड बोन जो होती है नेक में होती है, जो टंग होती है ना वो इसी बोन से अटैच होती है हायर्ड बोन से ओके। 26 बोन्स होती है आपकी वर्टिब्रल कॉलम में, 1 होती है आपकी स्टर्नम जिनको जिसको क्या बोलते हैं ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, स्टर्नम जो होता है फ्लैट बोन में आता है, और ये क्या होता है ब्रेस्ट बोन भी स्टर्नम को बोलते हैं। 22 जो होती है आपकी रिब्स होती है, रिब्स टोटल कितने, तो 12 पेयर रिब्स होती है, मतलब कि 24 आपकी रिब्स हो गई, आप इनका टोटल करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की आपकी जो बोन्स होती है वो टोटल 80 होती है, और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है सारा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया ओके।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ एपेंडिकुलर बोन इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो हमने देखा एक्सियल की 80 हो गई, टोटल 206 है। तो एपेंडिकुलर की हमने अभी क्या बताई आपको, ऑप्शन ए हो गया 126 जो है वो एपेंडिकुलर सिस्टम की बोन, स्केलेटल सिस्टम की बोन होती है, जिसमें से आपकी आएगी फोर लिंब की बोन आएगी, फोर लिंब मतलब कि हाथ हो गए, और फिर हाइंड लिंब की होती है, हाइंड लिंब का हो जाएगा आपका मतलब आपके पैर। ओके, तो इसमें टोटल मतलब कि दो हाथ है, टोटल फोर लिंब की बोन, एक में 30 होते, दो में 60 हो गई, ऐसे ही हाइंड लिंब की 60 हो जाएगी, टोटल कितनी हो गई 120 हो गई। ठीक है, तो इसमें से एक होती है जो चार होती है वो आपका पेक्टोरल गार्डन में, दो क्लेविकल और दो स्कैपुला होती है, और दो जो होती है ये पेल्विक गार्डन में जो इनोमिनेट बोन होती है दो वो प्रेजेंट होती है। तो ये टोटल 126 होती है। वैसे मैंने आगे लिखा भी हुआ है, आपको दिखा देती हूँ, इसका आंसर ऑप्शन ए 126 हो गया। ओके, देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है इसमें 126 बोन्स होती है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल जो होता है, शोल्डर गर्डल भी जिसको बोलते हैं, इसमें चार होती है जिसमें से दो क्लेविकल होती हैं और दो स्कैपुला होती हैं। ओके, पेल्विक गर्डल है इसमें दो होती है, इनोमिनेट बोन भी जिनको बोलते हैं। ओके, फिर हाइंड लिम्स में 60 बोन्स होती है, मतलब कि एक हाइंड लिम में 30 तो दो में मतलब कि आपकी 60, और फोर लिम्स में भी 60। ठीक है, तो आपकी ये टोटल हो गई आपकी 126। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती है, और दोनों को मिला देंगे इकट्ठी हो जाएंगी तो 206 बन जाएंगी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन फेस। तो मैंने आपको बताया था कि फेस में कितनी बोन्स है, स्कल जो स्कल अब है हमने देखा, स्कल जो है स्कल में टोटल 22 बोन्स है, जिसमें से आपकी फेशियल बोन्स होती हैं वो 14 होती हैं, और क्रेनियल बोन्स जो होती है वो 8 होती हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होती है और 14 जो है फेशियल बोन्स होती हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 14 दिया हुआ ऑप्शन डी में, तो फेशियल बोन्स जो फेस की बोन है वो 14 होती हैं। ओके, नेक्स्ट टोटल नंबर फेलेंजेस इज अपर लिम्ब। देखिए फेलेंजेस जो होती है वो कितनी होती है, अपर लिम्ब बोलिए या फिर लोअर लिम्ब बोलिए, तो फेलेंजेस जो होती है आपकी, टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप मतलब देखेंगे कि एक लिम्ब में देखेंगे तो 14 फेलेंजेस होती है, तो टोटल अगर फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब को मिलाएं तो आपकी कितनी हो जाएंगी अभी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस किस में पूछी है, अपर लिम्ब मतलब कि अपर लिम्ब की आप मतलब कि आपके दोनों हाथों में पूछी हुई है, तो एक में 14 तो दो में 28 हो गई। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फेलेंजेस को देखते ही हम सोचेंगे 14 है, लेकिन इसमें अपर लिम्ब का पूछा तो हमें दोनों हाथ का बताना है, तो एक में 14 है दो में 28 हो जाएगी। फेलेंजेस जो है कितनी होती है आपकी, अगर आप एक हाथ में देखेंगे तो 14 होती है फेलेंजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, बताना है कौन सा जो है इनकरेक्ट है, रोंग है, गलत लिखा हुआ है। स्टेपीज जो है स्मॉलेस्ट बोन होती है ये, और ईयर में मैंने अभी आपको बताया ईयर की बोन जिनको ईयर ओसिकल्स बोलते हैं टोटल 6 होती है, एक ईयर में 3 होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज होती है। स्टेपीज जो है स्मॉलेस्ट होती है, और ईयर की बोन्स जो होती है ईयर ओसिकल्स इनको बोलते हैं, तो ये मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो आपका स्टेपीज ईयर का बिल्कुल सही है। ह्यूमरस, देखिए ह्यूमरस जो है अपर आर्म में, बिल्कुल सही है, आर्म की बोन्स जो होती है ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है। ओके, बिल्कुल सही है, ह्यूमरस जो है आपके अपर आर्म में हो जाएगी। टिबिया, फिबुला, फीमर, ये लोअर लेग, ये भी बिल्कुल सही है। मेटाकार्पल बोन जो है फुट में नहीं होती, फुट में मेटाटार्सल बोन होती है, मेटाकार्पल बोन आपकी हैंड में हो जाएगी। तो आपका इनकरेक्ट गलत कौन सा हुआ, ऑप्शन डी ही गलत दिया हुआ आपको। ओके, तो देखिए मेटाकार्पल बोन्स होती है 5 लॉन्ग बोन्स होती है, कितनी होती है, मेटाकार्पल कहिए या मेटाटार्सल कहिए, दोनों के नंबर ही 5-5 होते हैं। जो मेटाटार्सल होते हैं वो भी 5 होती है, मेटाकार्पल भी 5 होती है, लेकिन जो ये मेटाकार्पल बोन्स होती है ये कहाँ होती है, फुट में ना होके हैंड में होती है। 5 लॉन्ग बोन होती है हैंड की, बिटवीन कार्पल बोन एंड द प्रोक्सिमल फेलेंजेस ऑफ द हैंड दैट मेक अप मोस्ट ऑफ द पाम। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, कौन सा मतलब कि इसमें से इनकरेक्ट दिया हुआ है। देखिए क्रेनियल बोन्स आर 8, तो मैंने अभी आपको बताया था स्कल की बोन्स जो होती है, स्कल में टोटल 22 बोन्स होती है, जिसमें से 14 तो फेशियल बोन्स होती है, और बाकी की 8 क्या होती है, क्रेनियल बोन्स होती है। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, क्रेनियल बोन्स 8 होती है, फेशियल बोन्स 14 होती है, बिल्कुल सही है। ईयर ओसिकल 6 होती है, स्कल बोन्स आर 20, तो किसने कह दिया स्कल बोन्स
20 होती है, स्कल बोन्स तो हमारे 22 होती है, है ना। अभी आप 14 और 8 को ऐड करेंगे तो 22 ही तो बनेगा, तो यही आपका ऑप्शन डी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी स्कल में 22 बोन्स होती है जिसमें से 14 फेशियल और 8 क्रेनल बोन्स होती है, हमें पता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रेनल बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, तो मैंने अभी आपको बताया क्रेनल बोन्स कितनी होती है ह्यूमन स्कल में, 8 क्रेनल बोन्स होती है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। कितनी होती है क्रेनियल बोन्स, 8 होती है। कौन कौन सी होती है, नाम पढ़ लीजिए इनके। 8 क्रेनियल बोन्स में देखिए, एक तो इथमोइड बोन होती है, एक फ्रंटल, फ्रंटल बिल्कुल सामने फ्रंट में होगी, फ्रंटल बोन होगी, ऑक्सीपिटल बोन होगी एक, दो पैराइटल होती है, दो ही टेम्पोरल होती है, एक स्फिनोइड होती है। तो ये टोटल आपकी जो है 8 क्रेनियल बोन हो गई, एक तो हो गई फ्रंटल हो गई, ओके, फ्रंटल के बाद पैराइटल हो गई, दो दो ही टेम्पोरल हो जाएगी, एक हो जाएगी ऑक्सीपिटल, एक हो जाएगी इथमोइड और एक हो जाएगी स्फिनोइड। तो ये आपकी टोटल 8 क्रेनियल बोन्स हो गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रेनियल बोन, कौन सी नहीं है, तो हमें पता है ये कौन कौन सी है। अभी देख लीजिए, पैराइटल होती है, स्फिनोइड होती है, टेम्पोरल होती है, जाइगोमैटिक नहीं होती क्रेनियल बोन्स में। जाइगोमैटिक जो होती है चीक बोन होती है, क्या होती है चीक बोन को क्या बोलते हैं, जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोन इज प्रेजेंट इन द स्कल, स्कल देखिए स्कल में कौन सी है जो पेयर बोन है, मतलब कि जैसे अभी हमने देखा था ना, जो आपकी जैसे क्रेनियल बोन्स में देखी थी आपने कि एक फ्रंटल होती है, दो पैराइटल होते हैं, तो पैराइटल बोन पेयर्स में हो गई है ना, दो ही टेम्पोरल होती है। अभी देखिए, फ्रंटल बोन आपकी एक होती है, ऑक्सीपिटल भी एक है, पैराइटल दो होती है ना, तो पेयर बोन कौन सी हो गई, ये पैराइटल ही होगी, बाकी स्फिनोइड भी एक होती है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, इलियम इस्टियम प्यूबिस बोन कंबाइंड टू फॉर्म, देखिए जो इलियम इस्टियम प्यूबिस बोन होती है किसके पार्ट होते हैं, ये इनोमिनेट बोन होती है ना, जो पेल्विक गार्डन में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, दो आती है आपकी इनोमिनेट बोन, तो इनोमिनेट बोन किससे मिलके बनी होती है, इलियम इस्टियम प्यूबिस बोन जो कंबाइन होकर क्या बनाती है, इनोमिनेट बोन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट है, ईच पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल जो होता है इसको शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, तो ये पेक्टोरल गर्डल जो है इसमें मैंने आपको बताया था टोटल जो है 4 बोन्स आती है, दो तो क्लेविकल आती है, दो स्कैपुला आती है, तो किससे मिलके बना होता है, देखिए इलियम इस्टियम प्यूबिस तो हमारा हो गया इनोमिनेट बोन हो गया है ना, जो आपका पेल्विक गर्डन से आ जाएगा, 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मैलिस इनकस टेपिस तो हमारी ईयर ओसिकल्स होती है, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है, पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ, तो पेल्विक गर्डल में क्या आता है, इलियम इस्टियम प्यूबिस, क्लेविकल एंड स्कैपुला, मैलिस इनकस टेपिस या ऑल, तो हमारा ये ऑप्शन ए आ जाएगा, इलियम इस्टियम एंड प्यूबिस आ जाएगा पेल्विक गर्डल में, ओके। क्लेविकल एंड स्कैपुला आपका पेक्टोरल गर्डल में आ गया, मैलिस इनकस टेपिस हमारी ईयर ओसिकल्स, ईयर्स की बोन हो गई, ओके। देखिए पेल्विक गर्डल के बारे में लिखा हुआ है, जो पेल्विक गर्डल है इसमें क्या होती है, 2 कोक्सल बोन होती है, इसको इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, कोक्सल बोन को भी बोलते हैं, इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, कितनी होती है, 2 होती है। ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, ठीक है, ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल इज मेड ऑफ इलियम इस्टियम एंड प्यूबिस के फ्यूजन से बनती है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम इस्टियम प्यूबिस बोन देर इज अ कैविटी, एक कैविटी बनती है, उसको क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम कैविटी बोलते हैं, इस कैविटी में क्या होता है, टू विच थाई बोन जो फीमर होती है ना वो आर्टिकुलेट वो जुड़ती है इस कैविटी में आके, ओके। तो आपका हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैमर शेप बोन प्रेजेंट इन मिड ईयर, मिडल ईयर जो है आपकी, मिडल ईयर में बोन्स बोन है आपकी, तो हैमर शेप कौन सी बोन है जो हैमर शेप होती है, मैलियस इनकस या स्टेपिस या नन, तो आपकी मैलियस होती है ना वो हैमर शेप बोन होती है, ओके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्पल पर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, तो कार्पल बोन जो है एक लिम्ब में कितनी कार्पल बोन प्रेजेंट होती है, आपने बताना है 5, 6, 7 या 8, तो आपकी जो कार्पल बोन्स होती हैं वो आपकी 8 होती हैं, ओके। कितनी होती है, 8 कार्पल बोन होती है अपर लिम्ब, मतलब कि एक लिम्ब में पूछा हुआ है कितनी कार्पल है, तो एक लिम्ब में आपकी हो गई 8 कार्पल बोन प्रेजेंट होती हैं। जैसे विच वन इज द बोन ऑफ फोर लिम्ब, फोर लिम्ब का मतलब कि हाथ हो गया, तो कौन सी है जो हैंड्स में प्रेजेंट है, देखिए ह्यूमरस, ह्यूमरस होती है
फोर लिम में, बिल्कुल ह्यूमरस होती है, टिबिया होती है, नहीं होती, हाइंड लिम में होती है, फिबुला भी हाइंड लिम में होती है, फ्यूमर भी हाइंड लिम की बोन है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, है ना, ये सब आपकी फोर लिम्स में आती है। नेक्स्ट है बोन ऑफ द लिम्ब, लिखा हुआ है अलोंग विद देयर गर्डल्स कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटल, ये हमने पढ़ी लिया, अपेंडिकुलर स्केलेटल्स में आप पढ़ते ही हैं, लिम्स की बोन होती है फोर लिम्स की प्लस हैंड लिम्स की प्लस इसमें गर्डल्स आते हैं, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल, है ना। तो ईच लिम्ब इज मेड ऑफ 30 बोन्स, तो एक लिम्ब में मतलब कि प्रत्येक लिम्ब में 30 बोन्स होती है। बोन ऑफ द हैंड, हैंड की बोन्स होती है, मतलब कि फोर लिम्ब की बोन्स कौन कौन सी होती है, एक तो ह्यूमरस हो गई, रेडियस होगी, अल्ना होगी, कार्पल होती है जिसको रिस्ट बोन भी बोलते हैं, और टोटल कितनी होती है 8 होती है। मेटाकार्पल होती है, इनको पाम बोन बोलते हैं, ये 5 होती है मेटाकार्पल। और जो फेलेंजिस जो होती है, हमने पढ़ाया था फेलेंजिस कितनी होती है, टोटल 14 फेलेंजिस होती है। तो आपको ये जो है फोर लिम्ब की बोन्स के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ए हाइंड लिम ऑफ ए मैन, हाइंड लिम में मतलब कि पैर में टोटल नंबर ऑफ बोन पूछी हुई है इन ए हाइंड लिम, तो मतलब कि ईच में नहीं पूछा हुआ, आपको हाइंड लिम मतलब कि दोनों पैर में बताना पड़ेगा। एक में 30 होती है तो दो में कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, है ना। कह रहा टोटल नंबर ऑफ बोन इन ए, इन देखिए इन सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ए हाइंड लिम, एक में पूछा हुआ है ना, सॉरी मैंने आपको गलत दिया, हाइंड लिम मतलब कि एक में पूछा हुआ है ना, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, है ना, एक में 30 होती है, है ना। अगर दोनों का पूछते ना तो आप 60 करते, तो ये तो आपको ए लिखा हुआ है, मतलब एक हाइंड लिम में 30 हो जाएगी। ओके, टोटल नंबर ऑफ बोन ही दिखाई हुई है, कैसे कैसे कौन कौन सी है, 30 है, तो देखिए एक फीमर होगा, एक टिबिया, एक फिबुला, ओके। फिर एक पटेला होती है जिसको क्या बोलते हैं, नी कैप भी बोलते हैं। फिर देखिए टार्सल जो है 7 होती है, हमने देखी थी हैंड में जो कार्पल थी वो तो 8 थी, लेकिन टार्सल जो है वो 7 है। फिर मेटाटार्सल 5 होती है, फेलेंजिस तो आपकी टोटल 14 होती है। ओके, नेक्स्ट है होलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ द बोन इज फिल्ड विथ, ठीक है, तो जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके बीच में जो होलो स्पेस होता है ना वो किससे फिल होता है, देखिए एयर, ब्लड, बोन सेल्स, बोन मैरो, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बोन मैरो होता है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री होती है 33 वर्टिब्री होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट, तो सारे के सारे लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल एक को छोड़ के, देखिए लॉन्ग बोन्स में आपकी फीमर आती है, टिबिया आती है, फिबुला आती है, ओके, ह्यूमरस आती है, रेडियस आती है, अल्ना आती है। तो देखिए फीमर दिया हुआ, टिबिया, फिबुला दिया, पटेला जो है आपकी, नी कैप जिसको बोलते हैं, ये किस में आती है, सिस्मोइड बोन में आती है। सिस्मोइड बोन में क्या आती है, पटेला, जिसको नी कैप बोलते हैं। फ्लैट बोन में याद रखना, स्टर्नम जो है वो फ्लैट बोन में आता है। ओके, नेक्स्ट है टंग इज अटैच टू, तो मैंने आपको जब हायोड बोन्स के बारे में, हायोड बोन जो होती है, एक हायोड बोन प्रेजेंट होती है, इसके बारे में जब बताया था कि जो टंग होती है वो हायोड बोन से अटैच होती है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हायोड बोन। नेक्स्ट है द यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी इज कोल्ड हायोड जैगोमेटिक मैंडिबल या मैक्सिला, तो ये हायोड बोन होती है, तो ये क्या होती है, हायोड बोन, या यू शेप बोन होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ओके, नेक्स्ट है बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स, एक होती है आपकी बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है, एक होती है बोन डेस्ट्रॉइंग सेल्स। फॉर्मिंग मतलब कि बनाना, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, तो ये आपकी ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएगी, ठीक है, इसमें ब्लास्ट को बनाना से याद कर लेना कि बोन्स को बनाने वाली, बोन्स फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब कि टूटना, डिस्ट्रॉइंग सेल्स, ओके, तो याद रहिएगा, तो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होगी आपकी ऑप्शन ए, ऑस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट है ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल, ओनली मूवेबल बोन जो है स्कल की, दैट इज मैंडिबल, मैंडिबल जो है ओनली मूवेबल बोन होती है स्कल की। नेक्स्ट है विच बोन फॉर्म बैक ऑफ द हेड, हेड के पीछे होती है, कौन सी होती है, देखिए पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटल होती है जो हेड के मतलब कि बैक में होती है। ओके, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, तो सबसे लंबी जो होती है आपकी फीमर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, थाई बोन भी बोलते हैं। ओके,
तो ये आपकी लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। ओके नेक्स्ट फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है वो आपकी फर्स्ट सर्वाइकल टोटल सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है कितनी होती है पूछे तो आपसे 7 होती है ना, C7 पढ़ते हैं ना आप लोग, तो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है जिसमें से फर्स्ट जो है सर्वाइकल वर्टिब्री आपकी होती है एटलस होती है, सेकेंड जो है वो एक्सिस होती है। नेक्स्ट लोअर जो इज नोन है, तो लोअर जो को बोलते हैं जो मैंडिबल बोलते हैं। ओके अपर जो तो मैक्सिला होता है, लोअर जो को क्या बोलते हैं मैंडिबल। ओके नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन द स्केलेटन, तो सबसे लंबी और सबसे स्ट्रोंग बोन आपकी थाई बोन होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग फीमर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलर बोन, कोलर बोन में आपकी आती है कौन सी क्लेविकल है ना, क्लेविकल जो है इसको क्या बोलते हैं कोलर बोन बोलते हैं, स्टर्नम को क्या बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ओके नेक्स्ट आपका है स्टर्नम को ये फ्लैट बोन होती है इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, दैट लाई इन द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड टी शेप। ओके ओके पिवोट जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, बैलेंस सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, तो देखिए आपका पिवोट जॉइंट होता है तो ये रोटेशनल जॉइंट नहीं होता। ओके यही पूछा है नॉट पूछा है तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके तो जॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जॉइंट्स जो होते हैं मेनली 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, एक तो फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स को फिक्स्ड जॉइंट्स भी बोलते हैं, फिर होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या फिर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं इनको, और थर्ड होते हैं आपके साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ओके 3 टाइप के मेनली जॉइंट्स होते हैं। अब जो जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं बाय द टाइप ऑफ मूवमेंट दे परमिट। ओके 6 मेन है इसमें जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं ये 6 टाइप्स की होती है, एक तो हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है ये एल्बो में प्रेजेंट होता है, नी का जॉइंट भी हिंज जॉइंट होता है, और एक एंकल। ओके एंकल में जो जॉइंट है वो भी हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। सैडल जॉइंट जो होता है थंब का जॉइंट जो होता है ना, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है ये आपका सैडल जॉइंट हो गया। पिवोट जॉइंट जो है मूवमेंट ऑफ द हेड, हेड की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो आपकी जो एटलस और एक्सिस जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस होती है सेकंड एक्सिस इन दोनों के बीच में जॉइंट है वो पिवोट जॉइंट है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो होता है रिस्ट जॉइंट इसका एग्जांपल है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये हिप जॉइंट होता है इसमें, और एक शोल्डर जॉइंट आता है, दोनों किसके एग्जांपल है बाल एंड सॉकेट के। ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं जिसमें आपका कार्पल जॉइंट होता है हैंड में, टार्सल जॉइंट होता है फुट में, ये आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। ओके तो ये सारे एग्जाम्पल याद करने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके तो जॉइंट का क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, सूचर्स बिटवीन द बोन ऑफ द स्कल एग्जांपल ऑफ। ओके तो जो स्कल के जो बोन्स हैं उनके बीच में सूचर्स होते हैं ना, वो कौन से टाइप के जॉइंट का एग्जांपल है। देखिए साइनोवियल तो फ्रीली मूवेबल था तो ये तो होगा नहीं, फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं सूचर्स। ओके आंसर इज ऑप्शन बी, बाकी कार्टिलेजिनस जॉइंट दिया हुआ है, आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। जैसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं मैंने आपको 3 टाइप के बताए, तो एक आपका साइनोवियल जॉइंट जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट है सेकंड लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, पहली लॉन्गेस्ट बोन तो आप कौन सी पढ़ते हैं फीमर है ना, जिसको क्या बोलते हैं थाई बोन भी बोलते हैं। ओके अब इसमें पूछे सेकंड लार्ज लॉन्गेस्ट बोन, तो पहली तो फीमर है अपनी, दूसरी कौन सी है, देखिए फिबुला दिया है जो आपकी पैर में ही होते हैं टिबिया फिबुला है ना, फीमर दिया है और आपकी क्लेविकल दिया है तो सेकंड लॉन्गेस्ट हो जाएगी आपकी टिबिया। ओके शिन बोन भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए लॉन्ग बोन्स में आपकी फीमर आते हैं थाई बोन होती है, टिबिया जो शिन बोन होती है, तो फर्स्ट लॉन्ग बोन तो आपकी जो पहली नंबर पे तो लॉन्ग हो जाएगी ये फीमर और सेकंड नंबर पे टिबिया। जैसे ऑल आर साइनोवियल जॉइंट एक्सेप्ट, साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं इसमें हमने देखे आपका पिवोट जॉइंट आता है, हिंज जॉइंट आता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट आता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ना, ये सारे आते हैं, और एक और कौन सा रह गया, 6 थे ना, पिवोट जॉइंट, पिवोट तो बता दिया, अभी देख लेना है एक और कौन सा है, तो ऑप्शन में देखिए कितने हैं, बॉल एंड सॉकेट बिल्कुल सही है, साइनोवियल में आता है, हिंज जॉइंट आता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी आता है इसमें। ओके तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा ऑल आर साइनोवियल जॉइंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कि ऑप्शन डी, पैग एंड सॉकेट कुछ ऐसा नहीं होता, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस, फेस की लार्जेस्ट बोन बतानी है, मैंडिबल दिया है, जैगोमेटिक बोन, मैक्सिला है, नन। ओके तो लार्जेस्ट बोन आपकी मैंडिबल होती है, मैंडिबल जो हमने पढ़ा था ओनली मूवेबल बोन जो होती है ना स्कल में वो मैंडिबल होती है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, मैंडिबल जो है लार्जेस्ट भी है,
फेस की लार्जेस्ट बोन है। देखिए मैंडिबल जो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फेस की, इट फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ जो ओके एंड पार्ट ऑफ द माउथ। मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, अटैच होती है मसल इन्वॉल्व इन द च्यूइंग एंड अदर माउथ मूवमेंट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर जॉइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सेप्ट, देखिए हिप जॉइंट लोअर एक्सट्रीमिटी में आ जाएगा है ना, एक्सेप्ट पूछा है आपसे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। नी जॉइंट एंकल जॉइंट आ जाएंगे, लेकिन शोल्डर जॉइंट या लोअर एक्सट्रीमिटी में नहीं आता, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल आर हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट में मैंने आपको बताया एल्बो जॉइंट आता है, एंकल जॉइंट आता है, नी जॉइंट आता है, रिस्ट जॉइंट तो कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जांपल है, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है बेंडिंग बैकवर्ड, बेंडिंग बैकवर्ड को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन फ्लेक्शन रोटेशन या लेटरल फ्लेक्शन, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। जैसे मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन, देखिए एडक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन या फ्लेक्शन ठीक है, तो अवे फ्रॉम है ना, तो ये हो जाएगा आपका एबडक्शन ओके। मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम मिड लाइन तो एबडक्शन ओके, टूवर्ड्स द मिड लाइन होता तो एडक्शन हो जाता ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए एबडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लिम लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी ओके, वाइल जो इसका वो है एडक्शन, एडक्शन का मतलब होता है अपोजिंग मूवमेंट दैट ब्रिंग लिम टूवर्ड द बॉडी और अक्रॉस द मिड लाइन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर बोन ऑफ अपर लिम्स, अपर लिम्स मतलब हाथ, हाथ की बोन्स है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। देखिए हाथ में रेडियस होती है अल्ना होती है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना होती है, टिबिया तो पैरों में होती है, तो ये अपर लिम में नहीं आती, लोअर लिम में आएगी, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब कि बोन से कनेक्ट हो रही है, तो टेंडन्स लिगामेंट कार्टिलेज कोलाजन, तो ये लिगामेंट्स जो होते हैं बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं ओके। नेक्स्ट थंब इज एन एग्जांपल ऑफ, थंब किसका एग्जांपल है, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट ओके। थंब जो होता है इसमें सैडल जॉइंट होता है ओके, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सैडल जॉइंट। जैसे बोन कैरीज ऑल द बॉडी वेट, तो ये कौन सी बोन है, फिबुला दिया है, फीमर टिबिया टैलस, तो ये आपकी टिबिया होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टिबिया जो होती है शिन बोन बोलते हैं, मेजर बोन होती है लोअर लेग में, रिस्पॉन्सिबल होती है बेयरिंग मोस्ट ऑफ द बॉडीज वेट ओके। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, बॉडी में लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, डेल्टोइड रेक्टस एब्डोमिनस सार्टोरियस बाइसेप, तो ये सार्टोरियस होती है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा ओके। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकरिंग टू, ठीक है ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन का डिसऑर्डर है बिल्कुल सिंपल है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट में हमने देखे थे, हिंज जॉइंट में एक तो नी का जॉइंट हो गया है ना, और एक एल्बो का जॉइंट हो गया, और एक आपका कौन सा एंकल जॉइंट है ना, तो ये आपके हैं हिंज जॉइंट के एग्जांपल। देखिए बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, बिटवीन नी जॉइंट बिल्कुल सही है, बिटवीन कार्पल से बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन बाय, देखिए हमने देखा बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं कौन से लिगामेंट्स होते हैं, अभी जो है मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं वो आपके टेंडन्स होते हैं ओके, आंसर इज ऑप्शन ए टेंडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करेंगे, टेंडन्स बोन को मसल से अटैच करेंगे। हिप जॉइंट इज क्लासिफाइड एज, देखिए हिप जॉइंट होता है और एक शोल्डर जॉइंट होता है ठीक है, तो ये कौन से टाइप के जॉइंट के एग्जांपल है, बाल एंड सॉकेट के एग्जांपल होते हैं ओके, आंसर देख लीजिए आपका ऑप्शन ए में ही आपको बाल एंड सॉकेट दिया है, तो हिप जॉइंट किसका मतलब एग्जांपल है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट में हिप जॉइंट आता है, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी हिंज जॉइंट जो है आपका मैंने अभी आपको बताया एल्बो में होता है, नी में होता है ना, एंकल जॉइंट होता है, पिवोट जॉइंट आपका जो फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, और मूवमेंट ऑफ हेड जो रिस्पॉन्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है पिवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट आपका जो हैंड्स की कार्पल के बीच में और पैर में जो टार्सल्स के बीच में होता है ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब कि इनमें गलत कौन सा मैच है ओके, देखिए पिवोट जॉइंट दिया नेक में, बिल्कुल सही है पिवोट जॉइंट होता है नेक में, ग्लाइडिंग जॉइंट दिया हिप जॉइंट, देखिए हिप जॉइंट तो आपको पता है बाल एंड सॉकेट का एग्जांपल है ना, तो ग्लाइडिंग जॉइंट में नहीं आएगा, तो आपका यही गलत हो गया, आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी ओके।
बाकी आपका बैलेंस सॉकेट शोल्डर बिल्कुल सही है, हिंज जॉइंट एल्बो बिल्कुल सही दिया हुआ है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज बैलेंस सॉकेट जॉइंट, तो बैलेंस सॉकेट जॉइंट मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा है, एक तो आपका हिप जॉइंट होता है और दूसरा कौन सा होता है, शोल्डर का जॉइंट होता है। ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आपका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो गया। बाकी रिस्ट जॉइंट तो आपको पता है कोंडिलोइड जॉइंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच पेयर, तो इनमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा। ओके, देखिए कोंडिलोइड जॉइंट दिया है कार्पल बोन ऑफ रिस्ट, रिस्ट में कोंडिलोइड बिल्कुल सही है। पिवोट जॉइंट नेक में एक्सिस और एटलस के बीच में रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड बिल्कुल सही है। सैडल जॉइंट नी में ना होके थंब में प्रेजेंट होता है, सैडल जॉइंट नी में तो हमारा हिंज जॉइंट होता है और ये हिंज जॉइंट एल्बो में बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आपको बताना था नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन सी करेक्टली मैच नहीं है, सैडल जॉइंट इज नॉट प्रेजेंट इन नी। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मसल ऑफ शोल्डर, शोल्डर की मेन मसल बताइए, ट्रेपीजियस ग्लूटियस डेल्टोइड या सुप्रासिनेटस, तो आंसर जो हो जाएगा डेल्टोइड मसल होती है मेन मसल जो शोल्डर की होती है, आंसर इज ऑप्शन सी। डेल्टोइड मसल क्या है, मेन मसल होती है शोल्डर की, इट हेल्प्स मूव योर अपर आर्म एंड स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। नेक्स्ट, जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस रेडियोल्ना, मतलब कि ह्यूमरस और रेडियोल्ना के बीच में जो जॉइंट है ना वो कौन सा है, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बैलेंस सॉकेट, हिंज। देखिए ये आपका ये जो ह्यूमरस और जो रेडियस और अल्ना के बीच में बन रहा है ना, ये आपका बन रहा है कौन सा, जो एल्बो का जॉइंट होता है ना, ये एल्बो वाला जॉइंट बन रहा है, तो हिंज जॉइंट में आ जाएगा ना ये, तो आपका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी हिंज जॉइंट हो गया। देखिए हिंज जॉइंट होता है कॉमन क्लास ई साइनोवियल जॉइंट्स में आता है, बिल्कुल सही बात है। दैट इंक्लूड्स में एंकल एल्बो और नी के जॉइंट्स हिंज जॉइंट के एग्जांपल होते हैं। हिंज जॉइंट बनता है कैसे, बिटवीन टू और मोर बोन्स के बीच में, जहाँ पर बोन्स कैन ओनली मूव अलोंग वन एक्सिस टू फोल्ड और एक्सटेंड। एल्बो इज ए मोर कॉम्प्लेक्स हिंज जॉइंट दैट फॉर्म बिटवीन ह्यूमरस ऑफ द अपर आर्म एंड द अल्ना एंड रेडियस ऑफ द फोर आर्म। ओके, तो ये आपका बनता है हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब इज एन एग्जांपल ऑफ, थंब को देखते ही आपने बता देना है कि थंब में तो हमारा सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है, पिवोट जॉइंट दिया है, बाकी सैडल जॉइंट आंसर हो जाएगा, बैलेंस सॉकेट और हिंज जॉइंट दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, लार्ज ट्रायंगुलर मसल सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द नेक, तो कौन सी मसल है बताइए, ये आपकी होती है ट्रेपीजियस होती है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ट्रेपीजियस। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन, देखिए अब आपको पता होना चाहिए कितनी कार्पल प्रेजेंट है और कितनी टार्सल प्रेजेंट है। ओके, देखिए टार्सल तो 7 होती है, कार्पल 8 होती है। ओके, बाकी इसका जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारा बता ही दिया था है ना, बोन्स का कौन सी कितनी है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो आपकी टार्सल बोन है वो कितनी है, 7 होती है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ पटेला बोन दैट इज प्रेजेंट इन नी, नी में प्रेजेंट होती है पटेला बोन, इसको नी कैप भी बोलते हैं। ओके, तो कौन सी कैटेगरी में आती है, ये आपके सिस्मोइड बोन में आती है, ध्यान रखना आपने, सिस्मोइड बोन में पटेला आती है, नी कैप बोलते हैं, फ्लैट बोन में बता रखा है आपको एक्सटेंडेड न्यूमेटिक या सिस्मोइड, आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्मोइड। ओके, नेक्स्ट देखिए सिस्मोइड बोन के बारे में लिखा हुआ, सिस्मोइड बोन आर बोन एम्बेडेड इन टेंडन्स। ओके, दी स्मॉल राउंडेड बोन्स आर कॉमनली फाउंड इन द टेंडन्स ऑफ हैंड नीज एंड फीट। सिस्मोइड बोन फंक्शन टू प्रोटेक्ट टेंडन्स फ्रॉम स्ट्रेस एंड वियर। पटेला कॉमनली रेफर्ड टू एज नी कैप, ये एग्जाम्पल है सिस्मोइड बोन का। ओके, ध्यान रखना है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिसीफॉर्म बोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। पिसीफॉर्म बोन कौन से जॉइंट्स में है, रिस्ट, शोल्डर, स्टर्नो क्लेविकुलर या एंकल जॉइंट, तो ये आपके ना रिस्ट जॉइंट में होती है। ओके, पिसीफॉर्म जो बोन होती है, ठीक है, जो आपकी कार्पल होती है ना, कार्पल कितनी होती है, 8 कार्पल होती है, उसमें से एक कार्पल बोन है पिसीफॉर्म बोन जो होती है, एक टाइप की कार्पल बोन है ये। ओके, देखिए पिसीफॉर्म बोन क्या होता है, स्मॉल नोबली सिस्मोइड बोन होते हैं दैट इज फाउंड इन द रिस्ट। पिसीफॉर्म क्या बोन होता है, 8 एंड स्मॉलेस्ट कार्पल बोन, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी कार्पल बोन कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, पीसी फॉर्म जो होती है सबसे छोटी कार्पल बोन होती है। ओके, तो ये 8 जो कार्पल बोन है उनमें से एक आपकी है ये पीसी फॉर्म। ओके, तो स्मॉलेस्ट कार्पल बोन है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट बनाती है ये, स्मॉल पीस शेप की बोन होती है। और जो लार्जेस्ट आपसे कार्पल बोन पूछे, तो कैपिटेट जो होती है, लार्जेस्ट कार्पल बोन होता है लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रिस्ट। ओके,
ये आपका हो गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में भी हो गया, कौन सी सबसे बड़ी अगर पूछ ले कार्पल बता देंगे आप, सबसे छोटी कार्पल बता देंगे कौन सी। ओके अभी देख लीजिए नेम द लार्जेस्ट टार्सल कौन सी है, सबसे बड़ी जो टार्सल बोन है देखिए टैलस कैलनिकस कैल्केनस नेविक्यूलर क्यूनिफॉर्म, तो लार्जेस्ट टार्सल बोन है कैल्कनस, ऑप्शन जो है बी हो जाए, कैल्कनस जो है लार्जेस्ट टार्सल बोन, टार्सल जो फुट की बोन है ना, तो जो सात होती है टोटल, तो उनमें से जो सबसे बड़ी है ना लार्जेस्ट वो कैल्कनस होती है। ओके बाकी ये जो आपकी ये टार्सल बोन के एग्जांपल है टैलस नेविक्यूलर क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म जो थ्री क्यूनिफॉर्म होती है। ओके तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट टार्सल बोन पूछे तो आपकी जो सेकंड क्यूनिफॉर्म बोन होती है ना वो आपकी स्मॉलेस्ट टार्सल बोन होती है। ओके अभी इसमें क्वेश्चन अभी हमने इतने ही क्वेश्चन देखने हैं। ओके तो ये आपके स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, आपका क्वेश्चन है स्पाइनल कॉलम हैज़ वर्टिब्री, स्पाइनल कॉलम में कितनी वर्टिब्री होती है, 12, 20, 33 या 25, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके थैंक यू।